नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए वीडियो में। और अभी हम लोग हैं गिरिडीह स्टेशन में, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मधुपुर, और मधुपुर से आगे का सफ़र तय करेंगे हम दूसरी ट्रेन में। और हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और बैठना ट्रेन हम लोग का आएगा और हम लोग ट्रेन में बैठेंगे और फिर हम लोग सोने वाला ट्रेन आ जाएगा। हम लोग सोते सोते जाएंगे रात भर और फिर सुबह होएगा हम लोग एक जगह पहुँचेंगे, वहाँ पर समुंदर भी रहेगा और एक होटल भी रहेगा। और रीसा इधर देखो, हेलो कर दो। तकरीबन 14 घंटे की जर्नी करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं पुरी स्टेशन। और पुरी आने के लिए आप या तो पुरी स्टेशन आ सकते हैं, इसके अलावा भुवनेश्वर स्टेशन से भी वहां से टैक्सी करके आ सकते हैं। अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे आप आके वहाँ से टैक्सी लेके आप पूरी पहुँच सकते हैं। तो चलिए अभी चलेंगे हम लोग होटल की ओर। तो कभी होटल आ गए हम लोग, पहले समुंदर जाएंगे और फिर यहाँ आके स्विमिंग पूल में नहाएंगे। चलिए हम लोग आपको रूम दिखा देते हैं, आइए। ये देखिए एक बड़ा सा सुंदर सा बेड है और ये तौलिया है और ये डिजाइन बना हुआ और ये टीवी है हम लोग का, यहाँ पे सोफा है और यहाँ पे सोफा है, दो गो बैठने के लिए दो गो बोतल भी है, वहाँ रखने के लिए अलमीरा है। ये रिमोट है और ये दो थो ग्लास है और ये फोन है और ये उसका ही ये कवर फोन है और ये नमक है और ये मेरा जूता है और ये पैर पोछना है इतना बड़ा सा। बोलो यहाँ पर एक टॉयलेट है अच्छा सा, यहाँ पर एक टॉयलेट है अच्छा सा और एक टब बाल्टी और यहाँ पर एक डस्टबिन है और नल और आईना और तौलिया। और दोस्तों देखिए, जो होटल हमने लिया है सैफायर इंटरनेशनल, और उसमें स्विमिंग पूल भी है। और आगे ठीक होटल के पीछे देखिए आपको समुंदर दिखाई देगा। तो हमें जो रूम मिला है ये आपका सी व्यू रूम है और बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 200-300 मीटर पे आप सीधा समुंदर जाके इंजॉय कर सकते हैं। तो अभी जाएंगे हम लोग समुंदर और दिखाते हैं आपको आगे वीडियो में। क्या हो रहा है दोस्तों? फिर हमने इस समुंदर किनारे बने इस पिंक होटल के रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट किया। बहुत ही सुंदर लोकेशन, बिल्कुल समुंदर के ठीक किनारे समुद्री रेत में बना हुआ ये होटल और इसका रेस्टोरेंट है। हर्ट के शेप में एक खूबसूरत सा रेस्टोरेंट, इसी में हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और प्रीसा बालू में अपना मस्ती कर रही थी। कैसा लग रहा है दीपा? मजा आ रहा है। अभी जा रहे हैं हम लोग बीच पे। बोलो दीपा कहाँ जा रहे हैं? बीच के मजे लेने जा रहे हैं हम लोग, बीच में कहीं तो जाएंगे भी। आप किनारे हैं तो अभी आपको बीच पे जाना पड़ेगा नहीं? रहता है सब किनारे लेकिन बोलता है हम जा रहे हैं बीच में, कितना झूठ बोलता है। अब बीच पे यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, खाने पीने का सामान, नारियल पानी, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक लोग ही लोग। और पीछे देखिए सारा होटल, वो दिख रहा है हमारा होटल वहाँ पे सैफायर इंटरनेशनल। और वहाँ से आगे हम लोग अभी बीच पे, बिल्कुल ही वॉकिंग डिस्टेंस पे है और अभी करेंगे एंजॉय।
देखते हैं क्या क्या एक्टिविटी है। ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच गए हैं बीच पे, पुरी का खूबसूरत सुंदर सा बीच। अभी हम लोग हैं सिटी रोड बीच पे। यहाँ पे बहुत सारे बीचेज हैं, जैसे कि आपका गोल्डन बीच, लाइट हाउस बीच, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग पहुँचे हुए हैं सिटी रोड बीच पे। ये बीच थोड़ा सा आपको कम भीड़ मिलेगा, लेकिन अभी टूर का सीज़न है इसलिए अभी भी लोग आपको अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगे। इस बीच को हम लोग बोलते हैं गरीब लोग का गोवा। गोवा वाली वाइब मिलेगी बिल्कुल आपको यहाँ पे, लेकिन बजट होता है, बजट में होता है, इसलिए इसको गरीब का गोवा आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी आ गए हम लोग पुरी के सिटी रोड बीच पे, और ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, उफान लेती हुई समुंदर की लहरें, और ये छुट्टियों का मौसम इसकी वजह से अच्छे खासे सैलानी यहाँ पे घूम रहे हैं। अभी मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। ये देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ लोग समुंदर में डुबकी लगाते हुए, किनारे बैठे हुए आनंद लेते हुए। यहाँ पे आपको ऊँट की सवारी भी मिल जाएगी, अगर आप ऊँट पे बैठना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं ऊँट पे बैठ के, तो वो भी आप कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा। और देखिए प्रीसा मस्ती कर रही है अपने नाना नानी के साथ। प्रीसा को बहुत मज़ा आता है, जब भी आती है समुंदर में तो उसको बहुत ही एंजॉय करने का मन करता है, इसलिए आते ही देखिए वो पानी में जा चुकी है। आजा प्रीशा। दोस्तों अभी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं कैमल राइड। प्रीशा एकदम मजा आ रहा है ना? आजा बंटी। तो हम लोग जा रहे हैं कैमल राइड पे। अच्छा से पकड़ना बेटो, ठीक? मजा आ रहा है? नाने को यहीं से हल्ला कर दो, हेलो कर दो, करो हेलो, करो जोर से, करो जोर से, करो इधर देखो इधर। ये हम लोग को तो बहुत मजा आया, मजा आ गया, मजा ही आ गया भाई, मजा ही आ गया आज तो, मजा ही आ गया। बैठे ही क्या दीपा? हेलो करो, हेलो करो, हेलो।
मजा आया। हाँ इस दो पानी में चश्मा रख दीजिए। अरे चश्मा बह जाएगा। बहुत मिलेगा। तेरे कूदो दो पीछे पीछे। इधर देखो प्रिसा। प्रिसा। मजा आ रहा है। ओ वे भाग गया वे भाग। प्रिसा। गिरना नहीं। इसको मुंह इसको सिर पोंछ दे तेरे। स्टार्ट तो दोस्तों पूरी ट्रिप के हमारे पहले दिन में हम लोगों ने समंदर में किया मस्ती। उसके बाद हम आके स्विमिंग पूल में नहाए। स्विमिंग पूल में भी 1 घंटे मस्ती करने के बाद फिर हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया और इसके बाद हम लोग गए मंदिर में दर्शन करने के लिए। वो आपको दिखाएंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।